नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डाउट बुक पर। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज 7 मार्च को शिफ्ट 1 का जो एग्जाम हुआ है सीजीएल का, उसमें पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन पूछा गया है कि रक्त का थक्का जमाने में विटामिन कौन सा प्रयोग होता है। तो भाई रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के, प्रोथाम्बिक वगैरह का इसमें इस्तेमाल होता है, जिससे रक्त की क्लॉटिंग हो जाती है, यानी ब्लड क्लॉटिंग करने में विटामिन के की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सेल की स्टडी को क्या कहा जाता है, यानी सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहा जाता है, यानी आप विज्ञान की सारी शाखाएं पढ़ लेना, यानी सारी ब्रांचेस किसको क्या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वीजा की ब्रांड एम्बेसडर, यानी वीजा की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो पीवी सिंधु, तो सभी के आप ब्रांड एम्बेसडर पढ़ करके जाएंगे, यानी किसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है ला लीगा फुटबॉल क्लब के ब्रांड एम्बेसडर, यानी ला लीगा फुटबॉल क्लब के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं क्रिकेटर, इंडियन क्रिकेटर रोहित शर्मा। जी हाँ, रोहित शर्मा को बनाया गया, पहली बार नॉन फुटबॉलर हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है, तो ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है 1.5। ये क्वेश्चन फिजिक्स से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ, तो भाई फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है 1951 को, इसमें नवी अनुसूची जोड़ी गई थी, यानी हम लोग 50 में रिपब्लिक हुए और 51 में ही पहला अमेंडमेंट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूची 11 से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है, अनुसूची जो 11 है वो पंचायती राज से संबंधित है, 12वां है नगर निगम से यानी मेट्रोपोलिटन एरिया से, तो इससे आप अनुसूचियों इंडेक्स से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा शेड्यूल से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है धार्मिक अधिकार की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, वह धार्मिक अधिकार की जो स्वतंत्रता है अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 में वर्णित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1920 का कांग्रेस अधिवेशन किस लिए प्रसिद्ध है, भाई तो 1920 का जो कांग्रेस का अधिवेशन है वो इसलिए प्रसिद्ध है, इसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा 1920 में, लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद ये स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटल सुरंग कहां पर है, अटल सुरंग है हिमाचल प्रदेश में, अटल सुरंग है हिमाचल प्रदेश में, उस सुरंग का पहले नाम था रोहतांग दर्रा, अब उसका नाम हो गया हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीएम का फुल फॉर्म पूछा गया है आपसे, और उसमें भी टी का फुल फॉर्म पूछा गया है, इसका है टेलर, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, तो एग्जाम में क्वेश्चन इससे भी पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आर्टिकल 19(1) का एक हिस्से है, ये प्रेस की स्वतंत्रता संबंधित है, तो यानी नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है एक बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको बुक जनवरी और दिसंबर में जो लॉन्च हुई है उनको पढ़ करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक का नाम नहीं पता हुआ है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो भाई धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है जबलपुर MP में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पुलित्जर प्राइज का संबंध किससे है, तो पुलित्जर प्राइज का संबंध है पत्रकारिता से संबंधित ये अवार्ड मिलता है, तो अवार्ड आप जरूर पढ़ के जाएंगे, चाहे मान बुकर इंटरनेशनल हो, पुलित्जर हो, इस प्रकार के सारे अवार्ड आपको पढ़ करके एग्जाम में जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला एक क्वेश्चन पूछा गया दिवस से, यानी डे से क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी दिसंबर जनवरी और फरवरी में पढ़ने वाले डे आप जरूर पढ़ करके जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बांग्लादेश की पीएम, यानी बांग्लादेश की जो पीएम है शेख हसीना जी हैं, तो जरा इससे भी देख लीजिएगा, इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज के पीएम एंड प्रेसिडेंट आपको पढ़ करके जाने ही जाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथ कर किससे संबंधित था, तो मराठा यानी शिवाजी ने लगाया था चौथ कर, 1/4 दिया जाता था चौथ कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनास्ट्री ऑफ सिक्किम पूछी गई है आपसे, मोनास्ट्री ऑफ सिक्किम से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक लद्दाख के गवर्नर से क्वेश्चन पूछा गया है, लद्दाख का गवर्नर और जम्मू कश्मीर के गवर्नर ये नए बने हुए हैं, यूनियन टेरिटरी हुई है ये, इनके गवर्नर जरूर पढ़ करके एग्जाम में जाएंगे। करंट से 2 से 3 क्वेश्चन जैसे हमें देखने को मिल रहे हैं, और एक क्वेश्चन एंशियंट से पूछा गया कुड़िक नाम किसका है, तो कुड़िक अजात शत्रु का नाम था। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और मिडेवल हिस्ट्री, इस प्रकार से हिस्ट्री से क्वेश्चन बन रहे हैं, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, इकोनॉमिक्स में RBI वगैरह पढ़ करके जाएंगे और इंडेक्स पढ़ करके जाएंगे। ठीक, थैंक यू क्लास, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें।